आज की कहानी राजस्थान के जिला खेजड़ी की है। कहा जाता है कि इस जिले में एक ऐसा पोस्ट ऑफिस है जो सालों से वीरान पड़ा है, लेकिन आज भी वहां एक चौकीदार पहरा देता है। लेकिन ये चौकीदार इंसान नहीं बल्कि भूत है। जी हां, चौकीदार का भूत। आइए सुनते हैं। तो दोस्तों, अपना अगला प्रोजेक्ट उसी पोस्ट ऑफिस वाली कहानी पर करते हैं। लोगों को भूत प्रेतों में वैसे भी बड़ी दिलचस्पी रहती है, अगर इस पर एक डॉक्यूमेंट्री बने तो अच्छा फायदा होगा। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने सुना है उस पोस्ट ऑफिस के अंदर कोई जा ही नहीं सकता। अगर कोई जाता है तो वहां चौकीदार का भूत उस आदमी का गला काट देता है। बस यही राज तो है जो हमें बाहर लाना है। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंटरनेट पर उसकी कोई भी जानकारी या तस्वीर मौजूद नहीं है। इसलिए हम वो पहले शख्स होंगे जो पूरे लोकेशन की सच्चाई लोगों के सामने लाएंगे। हाँ, और इससे शायद प्रोडक्शन वाले हमें प्रमोट भी कर दे। बिल्कुल दोस्तों, तो बस इंतजार करिए कल रात का। जितनी जल्दी हो सके अपना काम खत्म करके इसे पब्लिश कर देंगे। अरे लेकिन इतनी जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है, वो भी सीधा कल। थोड़ा आराम से चलते हैं। आराम से चलोगे तो बॉस हमेशा के लिए आराम दे देगा। तुम्हें तो पता ही है कि उस पोस्ट ऑफिस पर बहुत सी एजेंसीज की नजर है। इससे पहले कोई और वहां जाकर झंडा गाड़े, हमें तैयार रहना होगा। ठीक है, फिर सब लोग अपनी अपनी पैकिंग कर लो, कल सवेरे निकलते हैं। सवेरे मतलब हम पहुंचेंगे शाम को और काम होगा रात में। ऐसा क्यों? हम इस प्रोजेक्ट पर दिन में भी तो काम कर सकते हैं ना। तुम्हारी अकल क्या तुम्हारे घुटनों में है भाई? ये भूतिया प्रोजेक्ट है, इसमें मजा हमेशा रात को ही आता है। वैसे भी दिन में जाने पर मनाही है। अब ज्यादा सवाल मत करो और सारे जरूरी इक्विपमेंट्स कैरी कर लेना। कैमरा, नोटपैड, रील हैंड ग्लव्स और बाकी अपनी अपनी सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी। इसके बाद अगले दिन चारों लोग उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सफर तो ठीक ठाक ही गुजरा, लेकिन रास्ते में उन्हें एक दो जगह काफी कड़े ट्रैफिक का सामना करना पड़ा। किसी तरह रात के 8 बजे तक वो सभी उस भूतिया पोस्ट ऑफिस के करीब पहुंच गए। सब लोग मेरी बात गौर से सुनो। वैसे तो हमने पहले भी कई भूतिया प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, लेकिन सतर्कता हमेशा जरूरी रहती है। सब लोग साथ रहना और पूरी तैयारी में रहना। इसके बाद सभी गाड़ी से उतरते हैं और सामानों को बाहर लाते हैं, जैसे वहां की तस्वीर के लिए कैमरा, लाइटनिंग रील और भी कई सारा सामान। वो सभी अपना सेटअप करके सांस ले ही रहे होते हैं कि तभी उनकी नजर एक पुराने बल्ब के नीचे खड़े एक परछाई पर पड़ती है, जो अपने हाथ में एक डंडा लिए था। ए रवि, वो देख, वो क्या चीज है? हाँ गाइस, और वो देखो, पहली बात तो इतने पुराने पोस्ट ऑफिस पर ये पीला बल्ब कैसे लगा है? और अगर ये है भी तो ये परछाई किसकी है, जबकि यहाँ हमारे सिवा और कोई भी नहीं है और हम भी कितने दूर खड़े हैं। हितेन, तू खड़ा खड़ा देख क्या रहा है? तुरंत उस परछाई की तस्वीर ले। क्या, 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 कौन मैं? अच्छा अच्छा ठीक है। हितेन जैसे ही उस परछाई को क्लिक करने के लिए कैमरा पॉइंट करता है, तुरंत ऊपर लगा बल्ब फूट जाता है, जिससे वो हल्की सी रोशनी भी चली जाती है और गहरा अंधेरा छा जाता है। ओ शिट, अब ये क्या हो गया?
लेकिन अचानक ये सब कैसे? मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ, यहाँ से चलते हैं। तुम्हें मालूम है ना, वो चौकीदार यहाँ आने वालों का सिर धड़ से अलग कर देता है। सभी थोड़े डरे होते हैं, लेकिन रवि उनको मोटिवेट करने लगता है और कहता है, हम लोग इतनी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, और अब क्या खाली हाथ लौट जाए? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कोई भी रवि की बात नहीं सुनता और सभी पीछे हटने लगते हैं। तभी रवि बोलता है, गाइस डरो मत, मुझे पता था ये जगह हॉन्टेड है, इसीलिए प्रिकॉशन के तौर पर मैंने अपने साथ ये मैजिक स्टोन रख लिया है, ये हमारी रक्षा करेगा। चलो अब अंदर चलते हैं। उस मैजिक स्टोन के सहारे सभी पोस्ट ऑफिस के अंदर जाने को तैयार हो जाते हैं। धीरे धीरे वो सभी उस खंडहर और इतने पुराने पोस्ट ऑफिस के अंदर दाखिल होते हैं। टॉर्च की रोशनी से सभी तुरंत वहां के डॉक्यूमेंट्स और इम्पोर्टेंट फाइल्स को खोजने लगते हैं। हितेन अपनी फोटोग्राफी का टैलेंट दिखाते हुए उस जगह की तस्वीर को रिंग लाइट की मदद से कैप्चर करने लगता है। कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी अचानक उन्हें किसी आदमी के भारी कदम पटकने की आवाज सुनाई देने लगती है। सभी दीवारों के कॉर्नर में छिप जाते हैं सिवाय रवि के। रवि वहीं डॉक्यूमेंट्स चेक करने में लगा था। रिंग लाइट की रोशनी में हमें साफ दिख रहा था उस परछाई के हाथ में एक धारदार हथियार है, जो लिए वो रवि की तरफ बढ़ता है, और ठीक अगले ही पल वो परछाई रवि के सिर को उसके धड़ से अलग कर देता है और उसकी गर्दन नीचे जमीन पर गिरी छटपटा रही होती है। इस दृश्य को देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सभी डर के मारे पूरी तरह कांपने लगते हैं। हितेन अलमीरा के पीछे छिपा हाथ जोड़कर कांप रहा होता है। इसके अगले ही पल वो चौकीदार का भूत वहां से एकदम गायब हो जाता है। सभी धीरे धीरे बाहर आते हैं। बस मिल गई तुम लोगों को खुशी, मैंने पहले ही मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तुम जिद्दी लोग अब भुगतो, मरो सबके सब। गाइस, लेकिन ये वक्त अफसोस का नहीं है, बल्कि तुरंत यहाँ से निकलने का है। रुको मत, इससे पहले कि वो चौकीदार राउंड मारने के लिए दोबारा आ जाए, भागो यहाँ से। नहीं, लेकिन एक मिनट, रवि अपने साथ कोई मैजिक स्टोन लेकर आया था ना? तभी उनकी नजर वहाँ पड़ी उस पोटली पर पड़ती है, जिसके अंदर वो मैजिक स्टोन था जो शायद उनकी जान बचा ले। जब वो लोग पोटली खाली करते हैं तो उसमें से महज मामूली पत्थर निकलते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि रवि ने सिर्फ उन्हें बहलाने के लिए मैजिक स्टोन का बहाना दिया था। सब तुरंत वहां से बाहर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन तभी हितेन के जूते का लेस वहीं एक कील में फंस जाता है, जिसे हटाने के चक्कर में वो वहीं रुक जाता है और जल्दी जल्दी अपने हाथ से अपने जूते के लेस को निकालने लगता है। लेकिन तब तक उसके दूसरे साथी उस भूतिया डाकघर से बाहर आ चुके थे। वो सभी हितेन को आवाज लगाते हैं। हितेन तभी अपना जूता निकालता है और तुरंत बाहर की तरफ आने लगता है। लेकिन तभी बीच में वो चौकीदार का भूत आ जाता है, जो उसे अपने मुंह से पकड़कर अंदर खींच लेता है। उस डाकघर से लगातार हितेन की चीखें सुनाई देती है, बहुत दर्दनाक चीखें थी। इससे पहले कि वो चौकीदार का भूत बाहर आकर दूसरे लोगों का भी वही हश्र करे, सभी के सभी तुरंत वहां से भाग जाते हैं।
आज भी उस डाकघर यानी पोस्ट ऑफिस में कोई नहीं जाता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उस पोस्ट ऑफिस की चार दीवारी में एक चौकीदार का भूत भटकता है, जो कि मरने से पहले इसी पोस्ट ऑफिस में चौकीदारी करता था। लेकिन एक हादसे के बाद उसकी इसी जगह पर मौत हो गई थी, जिस वजह से उसकी आत्मा उसी डाकघर के चार दीवारों में कैद होकर रह गई। इसलिए जो भी वहां अकेला गया वो वापस लौटकर कभी ना आया।